एनसीपी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर एनसीपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा व दिव्यांग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नन्हेलाल शर्मा की अगुवाई में महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर फौजिया खान जी को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर फौजिया खान राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ महिला विंग की अध्यक्ष है और महिलाओं की शिक्षा अधिकार और हक के लिए लड़ती रहती है। वही कार्यक्रम के बीच राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा और राज्यसभा सांसद फौजिया खान ने दिव्यांग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नन्हेलाल शर्मा की और उनकी पूरी टीम की जोरदार तारीफ की। राष्ट्रवादी कांग्रेस में हम मजबूती से आगे चलेंगे। आपकी किसी भी छोटी से छोटी समस्या के लिए हम हाजिर हैं आपके लिए, चाहे आपके इलाके में आपका कोई छोटा मसला हो या कोई पॉलिसी का मसला हो जो पार्लियामेंट में उठाना है, हम सब आपके साथ हैं। आप कभी भी ये मत समझिए कि हम आपसे किसी भी दूरी पर हैं। आप हाथ बढ़ाइए, हम वहीं आपको मिलेंगे। हालांकि नन्हेलाल शर्मा हमेशा गरीबों और विकलांगों की मदद करते रहते हैं और रेहड़ी पटरी वालों के लिए नन्हेलाल शर्मा समय समय पर कार्य करते हैं और उनके हक के लिए खड़े रहते हैं। और क्या कुछ कहा हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए, हमारी मीटिंग का उद्देश्य, इसी मीटिंग का उद्देश्य नहीं बस हर मीटिंग का उद्देश्य, इस देश के अंदर लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और विकासशील सरकार की स्थापना के लिए कैसे हो उसके लिए प्रयास करना है, उसी दिशा में मीटिंग हमारी होती है। दिल्ली से NBCN न्यूज के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।